करना चाहिए इस तरह का, मगर अकेले क्या करूं? कुछ करना चाहिए इस तरह का, मगर अकेले क्या करूं? उफ, इतने दिन हो गए, अभी तक नहीं हटाया, अब कौन हटाएगा? अरे ज़ैनब, ये क्या हुआ? मैं गिरे हुए दरख्त को टापते हुए गिर गई। अब्बा, इतने दिन हो गए हैं, उस गिरे हुए दरख्त को कौन हटाएगा? पता नहीं बेटा, मैं भी सोच रहा था कि कुछ करूं, मगर इतना बड़ा दरख्त अकेले कैसे हटाऊंगा? शायद कोई और हल निकल आए। अच्छा, इधर आओ। कितनी सर्दी है यहाँ। ज़ैनब, क्या हुआ? कायद, सर्दी लग रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये समझते हैं कि ये अकेले ही इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि इनको एक दूसरे की मदद की जरूरत है। ओह वाओ! देखो ज़ैनब, एक मुआशरा तभी कामयाब हो सकता है जब सब लोग मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करें। अगर हर आदमी अकेला ही रहेगा तो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अगर हम सब पाकिस्तानी मिल के काम करें तो बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। अब्बा, अब्बा, बात सुने। क्या हुआ बेटा? अब्बा, हमें कुछ करना होगा, चले। हेलो, आपको दरख्त तंग कर रहा था ना, चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप भी दरख्त से तंग थे ना, आए चले। बेटा ज़ैनब, क्या कर रही हो? बस अब्बा, हम सब इस दरख्त से तंग थे, मगर अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, अब हम सब मिलके इसको हटाएंगे। कायद ने कहा कि हमारी यकजहती में ही पाकिस्तान की ताकत है, जो काम एक से नहीं हुआ वो हम सब मिलके कर लेंगे। ज़ैनब, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे तुम पर बहुत फख्र है। थैंक यू अब्बा। चलो फिर फाइनल करो, क्लास पार्टी में मेन्यू क्या होगा? पिज्जा और बर्गर के अलावा कुछ हेल्दी होना चाहिए। तीन डे खाते हैं। यक, तीन डे? हाँ, तीन डे तो बहुत मजेदार होते हैं। बैंगन करते हैं, बैंगन बेस्ट है। बैंगन? इव! मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तीन डे और तुम बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, ज़ैनब, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है। अच्छा, फिर तुम इस बैंगन लड़के के ही दोस्त हो। नहीं, मैं किसी टींडे लवर का दोस्त नहीं हो सकता। अली और सारा भी ना, अगर लोगों को अलग चीजें पसंद है तो क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? क्या मुझे भी चुनना पड़ेगा? देखो ये कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इतनी छोटी बात और इतनी नफरतें फैला रहे हैं। कायदे आजम। ज़ैनब, आजकल हम लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ी चीज बना देते हैं। लोगों में बर्दाश्त ही खत्म हो गया है, इख्तलाफ राय के लिए कोई जगह ही नहीं रही। जी कायद, आज अली और सारा भी लड़ पड़े ठींडे और बैंगन पर, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अफसोस की बात है कि कोई किसी और की राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं। किसी दिन टींडे बैंगन पर लड़ाई है तो किसी दिन अपने सियासी नजरिए पर, और किसी दिन अपने अकीदे पर दूसरों को मारने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह हर कोई समझे कि सिर्फ वो ही सही है तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में सब एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और आखिर में हम सब अकेले रह जाएंगे। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त मुझे एक उम्मीद ये भी थी कि एक ऐसा मुल्क हो जहां हम सब पूरे इत्मीनान से अपनी राय का इजहार कर सकें, चाहे हमें टींडे पसंद हों या बैंगन। फिर अब हम क्या करें? ज़ैनब, तुम अमन का दिया बन सकती हो। मगर कैसे? पहला कदम उठा के ये फैसला
तुम्हें खुद करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो टिंडे लवर? उफ, मुझसे बात ना करो बैंगन लड़के, मुझे चिट्ठी मिली है। मुझे भी। मैंने तुम दोनों को बुलाया, तुम दोनों को ये लड़ाई खत्म करनी होगी। सही बात है, बस इसे कह के मान ले कि बैंगन टिंडे से बेहतर है। कभी नहीं। बस करो, ये फजूल की लड़ाई छोड़ो। जरूरी नहीं है हम हमेशा एक दूसरे की बात माने, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बहस हो, हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा। अगर तुम्हें टिंडे नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा से दोस्ती ना करो। और अगर तुम्हें बैंगन नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं है कि अली बुरा है। चाहे हमारे जितने भी मसले हो, हमें वो मसले तमीज के साथ हल करने होंगे। कायद एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ सब अमन में रह सकते थे। सारा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे से बदतमीजी की है। अली, मैं भी, मुझे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलो गुड, लेकिन ऐसे थोड़ी सॉरी होगी। तुम दोनों को एक दूसरे की फेवरेट सब्जी ट्राई करनी होगी। आज बहुत भूख लगी है, चलो कुछ मजे का खाए। इतनी लंबी लाइन, ये क्या हो रहा है? इनकी बारी नहीं है। हाँ, पर क्या करें ज़ैनब, कोई इनको रोक क्यों नहीं रहा? चलो रहने दो। लेकिन मुझे भूख लग रही है और हमने इतना इंतजार किया है। ये गलत बात है, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और भूख भी लगी है। अब क्या करूं? कायद क्या कहते? बेटा ज़ैनब, ये मसला तुम खुद हल करो। पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। देखो ये चुंटियां भी सीधी लाइन में चल रही हैं। ओ, सारा, बात सुनो। क्या हुआ? अगर चूंटियां कतार में चल सकती हैं, तो क्या हम चूंटियों से कम हैं? पुलिस चाचा, आपने हमें रोका हुआ क्यों है? लाइट तो ग्रीन है। हाँ बेटा, मगर ऑर्डर है, वीआईपी मूवमेंट है तो ट्रैफिक रोकनी है। वीआईपी मूवमेंट? वो क्या होता है? जब कोई बड़ा साहिब या लीडर रोड से गुजरता है, तो उसके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से गुजर सके। लेकिन पुलिस चाचा, मैंने स्कूल पहुंचना है। सही कह रही हो बेटी, मगर क्या करूं? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। उफ, अब क्या होगा? कायद, कायद, कायद! ज़ैनब, क्या हुआ? कायदी, क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं जा सकती, हर रास्ते पे रुकावट है। मैं यही देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में दो निजाम है, एक वीआईपी के लिए है और एक आम आदमी के लिए। लेकिन कायद, फिर हम आम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पाकिस्तान में आम आदमी और वीआईपी सब बराबर थे। अगर पाकिस्तान ने एक खुशहाल मुल्क बनना है, तो उसके लीडरों और अफसरों को वीआईपी नहीं, अवाम की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब तभी हो सकता है जब इस कौम के लोग अपने लीडरों और अफसरों से अपना हक मांगेंगे। मगर हम ये कैसे कर सकते हैं? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। पुलिस चाचा, आपको रास्ता देना पड़ेगा, अब तो एम्बुलेंस भी रुकी हुई है। बेटा, मैं क्या करूं? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। चाचा, कायदे का अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तो आप जैसे अफसर को आवाम की खिदमत डट के और सच्चाई से करनी होगी, और कभी भी किसी वीआईपी या लीडर के दबाव में नहीं आना। अगर आप ये वीआईपी मूवमेंट नहीं रोकेंगे, तो हम कायद का पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? थैंक यू पुलिस चाचा। डर गई। ये तुम क्या कर रहे हो अली, चोट लग जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं मिस्टर माचो मैन हूँ।
ये मिस्टर माचो मैन कौन है? मिस्टर माचो मैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो, और वो कहते हैं कि अगर हम उनकी सारी बातें माने तो हम भी उनकी तरह कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर माचो मैन कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही कहते हैं। जाओ जाओ, मिस्टर माचो मैन कभी गलत नहीं हो सकते। अली, ये मेरा लंच है, मुझे वापस दो। नहीं, अब ये मेरा लंच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर होता है उसका हर चीज पे हक होता है। अच्छा छोड़ो, क्लास का टाइम हो गया है। तुम जाओ क्लास में, मैं तो नहीं जा रहा। मिस्टर माचो मैन कहते हैं क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं है, जो सीखना है गूगल कर लो। आओ मेरे साथ, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। रुको, सब रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम सब नीचे गिर जाओगे, रुक जाओ। ज़ैनब बेटा, परेशान ना हो। कायद, आप यहाँ? मगर वो सारे लोग वो कहाँ गए? वो कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। कायद, लोग ऐसे कैसे एक दूसरे की बात बगैर सोचे समझे मान सकते हैं? बेटा अफसोस की बात है कि हर कोई खुद सोचने के लिए तो तैयार नहीं, मगर दूसरों के पीछे सोचे समझे बगैर चलने के लिए तैयार है। क्या इसका कोई हल नहीं है? हल बिल्कुल है ज़ैनब, लोगों की बात जरूर सुनो और तमीज से सुनो, मगर फिर अपनी सोच का इस्तेमाल करो और खुद फैसला करो कि दूसरों की बात सही है या गलत। कभी भी किसी की बात खुद सोचे समझे बगैर ना मानना। बच्चों, मिस्टर माचो मैन आ गया है, और अब मिस्टर माचो मैन तुम सब के लिए स्टंट करके दिखाएगा। अली, तुम क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर माचो मैन की तरह इस बाइक से हवा में 360 मारूंगा। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम गिर जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मिस्टर माचो मैन कहते हैं कि अगर तुम उनकी बात सुनो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं ये स्टंट करके दिखाऊंगा। अली नहीं, खुद सोचो, तुमने तो अभी बाइक चलानी सीखी है, तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस तरह के स्टंट्स कर सकते हो? मगर मिस्टर माचो मैन ने तो कहा था। अली, सिर्फ अपनी सोच का इस्तेमाल करो, मिस्टर माचो मैन की सोच का नहीं। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। वाओ, ये रैंप तो वाकई बहुत ऊंचा है, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। तुम कुछ नहीं सोच रहे थे, यही तो मसला था।